नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने बार बार कमेंट में लिखा है कि सर लैंग्वेज पेपर के बारे में कुछ बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, चाहे लैंग्वेज वन या लैंग्वेज टू, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, या वन में हो या टू में हो, सभी के लिए बात करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लैंग्वेज का जो 60 नंबर आता है, यानी 60 मार्क्स आता है वन और टू मिला करके, चाहे पेपर वन में हो या पेपर टू में हो, उसमें से 50 टू 55 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे तो ओवरऑल आपका जो सीटेट का नंबर होगा वो काफी अच्छा होगा, इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को आराम से और पूरा देखिए। मैं हमेशा वीडियो में यही बताता हूं आपको, जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप लोग वीडियो को कम देखते हैं, फिर कहते हैं कि चीजें समझ में नहीं आई, और फिर कमेंट में जो चीज हम लिखे होते हैं वो भी कमेंट करते हैं कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए। हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे ना आपके लैंग्वेज पेपर के लिए, वो यूट्यूब में क्लियर किसी ने नहीं बात किया। आप कहेंगे तो हम आपको वीडियो का क्लिप भी दिखा देंगे। वही टीचर किसी वीडियो में कुछ बोल रहे हैं, वही टीचर किसी और वीडियो में कुछ बोल रहा है। तो देखिए, जो भी डाउट है उसे क्लियर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, क्योंकि लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपका रिजल्ट में। सबसे पहले बात करते हैं कि सर लैंग्वेज में आपको पढ़ना क्या चाहिए, क्या कोई बुक पढ़ना है या क्या, इस पे बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे पैसेज कैसे सॉल्व करना है, पेडागोजी कैसे पढ़ना है, क्या ग्रामर पढ़ना है या नहीं लैंग्वेज के लिए, हर चीज पे बात करेंगे और कोई हवा हवाई बात नहीं होगी। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी आपको हम बताएंगे और ये प्रैक्टिकल बात होगी जो आप यूज करोगे तो आपका सीटेट का रिजल्ट काफी अच्छा होगा। सबसे पहले क्या सर लैंग्वेज के लिए कोई बुक पढ़ना होता है पैसेज के लिए? देखिए, पैसेज के प्रिपरेशन के लिए हमको कोई अलग से बुक पढ़नी है तो मेरा जवाब है कि नहीं, पैसेज के लिए अलग से बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो पैसेज के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज आप ध्यान में रखिए कि पैसेज का जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा आपका पैसेज सॉल्व होगा। पैसेज कम समय में आप सॉल्व कर लोगे तो पेडागोजी पे आप टाइम दे पाओगे, और पैसेज में गलतियां बहुत कम होती है। अगर आपको पैसेज करने का प्रैक्टिस है, चीजें समझ में आती है, तो बहुत गलतियां कम होती है, तो मैक्सिमम नंबर आप यहां पे स्कोर कर पाओगे। फिर पेडागोजी में टाइम दे पाओगे, जो टाइम बच जाएगा पेडागोजी करने के बाद भी, वो हम दूसरे पेपर में दूसरे जगह पे उसका टाइम यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये है। तो पैसेज के लिए क्या करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जितना पैसेज है उसको सॉल्व करना है। क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा है कि सीटेट के प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, तो जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, मैंने जो पहले का वीडियो में बोला कि आपको प्रीवियस ईयर का सीट डेली देना है, तो वहां पे तो पैसेज आप सॉल्व करोगे ही करोगे, तो प्रैक्टिस वहां से होगी। तो हम बात करते हैं कि पैसेज को करना कैसे है इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पैसेज सॉल्व करने का दो तरीका जनरली बताया जाता है। एक वो कि आप पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिए। देखिए, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू में डिफरेंस बस इतना होता है कि यहाँ पे लैंग्वेज वन में जो पैसेज आएंगे, एक पद का आएगा और एक गद का आएगा, यानी कि एक पोएट्री और एक प्रोज का आएगा, अगर इंग्लिश आपका है तो, है ना। तो यानी कि गद कहने का मतलब है कि जो कहानी वाला पैसेज होगा वो होगा, और पद कहने का मतलब है कि कविता वाला पैसेज होगा वो होगा लैंग्वेज वन में। लेकिन लैंग्वेज टू में दोनों का दोनों जो होगा आपका, वो जो भी लैंग्वेज आप रखेंगे ना, तो वहां पे गद का ही पैसेज मिलने का। यानी अगर आप लैंग्वेज टू आपका इंग्लिश है तो आपको प्रोज का ही पैसेज वहां पे देखने के लिए मिलता है। ये बेसिक अंतर है दोनों में, पेपर वन और पेपर टू में। लेकिन कुल मिला के चार पैसेज आपको सॉल्व करना होता है पेपर वन और पेपर टू में, पेपर वन में दो और पेपर टू में दो। ठीक, चलिए अब बात आते हैं मुद्दे की बात पे आते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, जो समय भी कम ले, गलतियां कम हो, और एक अच्छा तरीका क्या हो जिससे हम जल्दी कर पाए, तो इस पे बात करते हैं। देखिए, दो तरीका प्रचलित है। एक ये कि लोग कहते हैं कि पहले आप पैसेज को पढ़ लीजिए पूरा, और दूसरा तब कहते हैं कि आंसर आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, उसका जवाब दीजिए। क्योंकि आप पैसेज पढ़े हैं तो आपको की पॉइंट वहां से मिला होगा, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। एक तरीका यह बताई जाती है कि आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सारे, फिर पैसेज पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन में की पॉइंट था आपको पैसेज में मिलेगा, तो फिर वहां से आप आंसर कर लोगे। दो तरीका। एक तरीका हम देखते हैं, लोग ये अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये हुआ, उसका की पॉइंट देखते हैं, उसी पॉइंट को खोजते रहते हैं पैसेज में। तो इसमें क्या होता है ना कि कई दफा अगर मान लीजिए वो की पॉइंट डायरेक्ट नहीं है, उसका भाव पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिक्कत होती है, वो मिलता नहीं है पैसेज में, तो आपका टाइम भी लगेगा। टाइम लगने के साथ क्या होता है ना, एग्जाम में जैसे आपको की पॉइंट खोज नहीं मिला, पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था, प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है यार, दिमाग फिर थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चला जाता है, निगेटिव मेरे माइंड में आने लगता है कि कैसे बनाए, क्या करें।
इससे बचना है। जब आप ये चीज करोगे ना कि डायरेक्ट की पॉइंट खोजोगे पैसेज से, तो ये दिक्कत आपको मिलेगी कभी कभी, क्योंकि भाव पे क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो की पॉइंट वहां पे होगा नहीं। ये चीजें हैं। एक तरीका जो बेस्ट होता है ये करना चाहिए आपको, जो पहला तरीका दूसरा तरीका है ना उसका मिक्सअप कर लीजिए, यानी कि हाइब्रिड हो जाएगा उसका। एक क्या करना है देखिए, एक चीज आप गौर करेंगे, अगर आप सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो पैसे से आंसर खोजते हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन आप भूलोगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन करके आते हैं पैसे से, पहले पैसे से 8, दूसरे से 7, जिसमें 4-5 क्वेश्चन दोनों पैसेज मिला लो तो ग्रामर का भी होगा। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे पैसेज तो क्वेश्चन एक दो भूल जाओगे, तो फिर पैसेज पढ़ोगे तो वहां पे एक दो क्वेश्चन का भूल जाओगे, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये है, अगर पैसेज पर ही क्वेश्चन पे आओगे तब भी पैसेज में कुछ चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं एग्जाम प्रेशर के वजह से वहां पे उस टाइम, तो फिर दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ता है, बीच बीच से पढ़ना पड़ता है कि ये क्वेश्चन तो पढ़ भी नहीं किए पैसेज में, फिर से पढ़ना पड़ता है। ये दो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। एक तरीका इन दोनों से बचने का ये हो सकता है, और ये है, आप करिए यूज, हम लोग भी करते हैं, कि आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसका 4 ऑप्शन है पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज का पहला लाइन शुरू कीजिए पढ़ना। एक चीज आप देखेंगे ना कि जब भी पैसेज का क्वेश्चन आता है तो अक्सर ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब पहला क्वेश्चन होगा ना, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो उस पैसेज से पूछा गया है, तो फर्स्ट ही लाइन में मिल जाता है आंसर, या सेकेंड लाइन में मिल जाएगी। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया ना, सेकेंड लाइन से आगे पढ़ोगे ना तो थर्ड लाइन में या सेकेंड लाइन में आपको उसका आंसर मिलेगा। ये अक्सर होता है, लेकिन कई दफा क्या होता है ना, 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है कि पैसेज में फर्स्ट में दिया हुआ है उसका आंसर आपको बीच में मिल रहा है, और जो क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ उसका आंसर पहले वाले लाइन में ही मिल रहा है। तो ये 1-2 बार आपको देखने के लिए मिलेगा, हमेशा नहीं होता है, तो इससे भी बचना है, ये चीज आपको माइंड में होना चाहिए। तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा पैसेज का और उसका 4 ऑप्शन पढ़ा, तो पैसेज का फर्स्ट लाइन पढ़ा, ठीक है आंसर नहीं निकलना तो घबराना नहीं है, पहले तो एग्जाम में घबराने से बचना है, तो घबराना नहीं है। पहला लाइन में आंसर नहीं निकला, दूसरा लाइन तक जब पढ़ोगे तो वहां तक भी आंसर नहीं निकला तो आपको रुक जाना है। अब सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिला नहीं, वो लाइन में था नहीं, कई दफा ऐसा क्वेश्चन करता है आदमी, मतलब एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को जो पूछ दिया ना फर्स्ट क्वेश्चन, वो लास्ट में पैसेज का है या बीच में कहीं पे है, क्योंकि आप प्रेशर में आए, तो आपको हड़बड़ाना है ही नहीं, आप सेकेंड क्वेश्चन पढ़ना, सेकेंड लाइन तक आ गया ना तो सेकेंड क्वेश्चन पढ़ना, निश्चित तौर पर आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये 2 लाइन पढ़ने के बाद मिल जाएगा वहां से, तो वो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज का 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे, अगर ऊपर 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंसर नहीं मिला तो 3rd पैराग्राफ पे आना है। 3rd पैराग्राफ पढ़ लिए, 3rd का आंसर मिल गया, फिर 4th पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको 4th क्वेश्चन पढ़ लेना है। 4th क्वेश्चन पढ़ोगे तो अब ये हो सकता है कि इस 4th पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने तो सीटेट का जितना प्रीवियस ईयर पेपर है सारे को सॉल्व किया है, तो ये मेरे पास अनुभव है और मुझे काफी लंबे समय हो गए इन चीजों को देखते हुए, तो ये मेरा काफी लंबा अनुभव है, तो मैं तो जानता हूं कि कैसा कैसा प्रश्न कैसे कैसे आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 4th क्वेश्चन पे वो पहले वाले पैराग्राफ से जो है ना आंसर आ रहा है, तो आप पहले चुकी पढ़ चुके पैराग्राफ, तो आंसर आपको क्लिक करेगा दिमाग में, तो आप क्लिक करेगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके को अप्लाई कीजिए, ना तो पहले पूरा पैसेज पढ़ लीजिए और ना ही पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप इसको एक बार एक ही पैसेज में प्रैक्टिस करके देखिए, जो हार्ड से हार्ड पैसेज आपको लगा होगा ना प्रीवियस ईयर में उसमें प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इस मेथड का देखने के लिए मिलेगा। Language 1 हो या Language 2 हो, दोनों में आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी भाषा हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात ये थी पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, चाहिए पद का हो या गद का हो ऐसे ही सॉल्व कीजिए, ठीक करके आप देखिए एक प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का पेपर का, जो हमने बताया जो तरीका, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद बात आती है कि क्या सर ग्रामर पढ़नी चाहिए हमको सीटेट के लिए, तो मेरा सजेशन ये है कि बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन ग्रामर को बुक खरीद के पूरा ग्रामर नहीं पढ़ना। अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ग्रामर का भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, अब बिना पढ़े तो ग्रामर आपको आ नहीं जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि सीटेट में जो ग्रामर पूछा जाएगा वो आपका पैसे से ही होगा, लेकिन अब जैसे हिंदी की हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझिए, और ग्रामर पढ़नी कितना है और कैसे पढ़ना है इसको समझिए। बहुत सारे लोग होंगे कि आप में से इस बात को लेकर नाराज हो जाएंगे कि सर आप ग्रामर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा चैनल तो बोला ही नहीं है ग्रामर पढ़ने के लिए। हम भी सुने भाई, हमको हर वीडियो के बारे में पता होता है कि कौन क्या बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं, मैंने एनालाइज करके सही चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पैसे से ही ग्रामर आएगा। अब हिंदी में मान लीजिए समास पूछा जा रहा है, समास से पूछा जाता है, विशेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिक आइडिया समास विशेषण का होगा तभी तो उस पैसेज का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब दे पाओगे ना।
ऐसे कैसे दे लोगे ग्रामर का साफ, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर आप ये मान लो कि 3-4 क्वेश्चन आपको छोड़ना है हिंदी में पैसेज से, ये मान के चलो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना है तो आपको ग्रामर पढ़ना होगा, लेकिन कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये समझिए। मैं नहीं कहता कि ग्रामर का कोई क्लास ले लीजिए, ग्रामर का कोई बुक ले लीजिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ग्रामर आपका बार बार देखने के लिए मिलेगा, हर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना तो व्याकरण का जो प्रश्न है हिंदी का वो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन समास से आ रहा है, क्वेश्चन उपसर्ग से आ रहा है, क्वेश्चन वचन से आ रहा है, क्वेश्चन संधि से आ रहा है, समझ रहे हैं। तो यही कुछ टॉपिक है जिस बार बार आपका रिपीट होगा, इसका बेसिक पढ़ लीजिए कि संधि होता क्या है, टाइप्स ऑफ संधि क्या क्या है, समास होता क्या है, समास का टाइप्स कैसे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है, समझ रही है बात, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये आपको पढ़ना है, ये नहीं कह रहे कि ग्रामर का कोई क्लास स्पेशल ले लीजिए, कोई कोर्स खरीद लीजिए या कोई बुक खरीद लीजिए, नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर में ग्रामर का जो टॉपिक पूछा गया है उसका बेसिक आइडिया ले लीजिए। और कहां से लेना है, हमारे लिए खुला दरबार है यूट्यूब पे, अच्छा अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। कई लोग तो ट्रिक पढ़ाए हुए हैं कि ट्रिक से आप कैसे पकड़ेंगे ये समास, ट्रिक से कैसे पकड़ेंगे कौन सा संधि है, समझ रहे हैं। तो वो चीज आपको करना है, आपको ग्रामर के लिए बस इतना ही करना है। और ये करने के लिए ना हमको लगता है कि आप हिंदी की ग्रामर अगर पढ़ोगे तो मैक्सिमम 10 वीडियो देखना पड़ेगा, 10 वीडियो वो भी होगा कितना मिनट का पता है, 10 से 12 मिनट का 10 वीडियो देखना पड़ेगा, यानी 1 से 1.5 घंटा ग्रामर पढ़ लीजिएगा यूट्यूब से, तो आपका ये 3 से 4% जो गलत हो रहा है वो सही भी होने लगेगा, और आप अगला प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करेंगे ना तो देखेंगे कि वो सही हो रहा है, चाहे वो हिंदी के सेंस में हो, चाहे संस्कृत का ग्रामर हो यानी व्याकरण हो, और या इंग्लिश का ग्रामर हो। तो आप वही टॉपिक पढ़िए जो आपको नहीं आ रहा है, जिससे प्रश्न आ रहा है, बस पूरा ग्रामर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात ही थी जो आपको बतानी थी, अगर इसमें कुछ पार्टें छूट गई होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि पेडागोजी के बारे में क्या करें सर, पेडागोजी तो पेडागोजी का सिलेबस डिफाइंड है, 10 से 12 टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, प्रश्न वहीं से आते हैं, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए किसी भी मैराथन से, और प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो मेन दिक्कत होता है बच्चों को पैसेज में, पेडागोजी तो आपको पढ़ना ही है, चूंकि आप प्रैक्टिस भी करोगे तो वहां से तो प्रश्न रिपीट भी हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप पढ़ोगे पेडागोजी के तो वो दिक्कत आपको नहीं करेगा। तो हमको लगता है कि आपको लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम था उसके बारे में सभी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, किसी भी मुद्दा का कोई भी मुद्दा छूट गया हो जिस पे हमने बात नहीं किया हो, अगर हमको मिस हो गया हो तो आप वो भी कमेंट में लिखना, हम उस पे हो सके तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना है। जो भी डाउट है आप कमेंट में लिखिए, हम उस पे वीडियो बनाने के लिए तैयार है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे आपका सीटेट अच्छे मार्क्स से एक बार में निकले, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, बाय बाय।